आज की ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है, ये वीडियो तुम्हें कनेक्ट करेगी तुम्हारे पास्ट से, तुम्हारे फ्यूचर से, और तो और तुम्हारे प्रेजेंट पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगी। बस वीडियो को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दर्द होता होगा ना जब तू सुबह उठता होगा, दर्द होता होगा ना जब तू 2 घंटे लगातार बैठकर पढ़ता होगा, दर्द होता होगा ना जब तुझे कोई तेरा छोड़कर चला गया होगा। ये दर्द ही तो है जो आज तुझे सक्सेस की उस सीढ़ी तक लेकर जाएगा जिसे तू भूल गया है। सुना है ना, नो पेन नो गेन। पूरे वर्ल्ड में क्या कोई ऐसा काम है जिसको बिना हार्डवर्क के, बिना दर्द सहे किया जा सकता है? सक्सेस कोई प्रसाद नहीं जो मंदिर में गए और पूजा की और मिल गया। सक्सेस के लिए लड़ना पड़ेगा, सक्सेस के लिए रोज मरना पड़ेगा, सक्सेस के लिए रोज दर्द भी सहना पड़ेगा। जो लोग आज इतने ऊपर दिख रहे हैं ना, तुमको क्या लगता है ये सब कुछ ऐसे ही हो गया? नहीं, इस दुनिया में कुछ भी ऐसे नहीं होता। मधुमक्खियों को भी अपना छत्ता बनाने में करीबन 2 महीने लग जाते हैं, वो भी रोज मेहनत करती हैं अपने शहद के लिए। इसमें कितने दर्द, कितनी परेशानी उनको सहन करनी पड़ती है, शायद इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते हम। एक औरत अपने बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। तुमको क्या लगता है दर्द सिर्फ जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन होता है? नहीं, पूरे 9 महीने वो इस दर्द से गुजरती रहती है जब तुम्हारे जैसी एक औलाद को जन्म देती है। अगर तुम्हारे हाथ पर कहीं थोड़ा सा जल जाए तो कितनी जलन होती है ना, कितना दर्द होता है ना। एक ह्यूमन की बॉडी 45 डेल, डेल यानी कि दर्द सहने की क्षमता, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी 45 डेल का दर्द झेल सकती है। बट जब एक औरत अपनी औलाद को जन्म देती है तो देते वक्त 57 डेल का दर्द होता है। कितने दर्द से गुजरती है वो उस समय, और वही उसकी औलाद अपनी कामयाबी के लिए थोड़ा सा दर्द सहन नहीं कर सकती। वाह, क्या कुदरत है। आज जो दर्द तुम्हें हो रहा है, जिस पेन से तुम गुजर रहे हो ना, बस आज जो दर्द तुम्हें हो रहा है, जिस पेन से तुम गुजर रहे हो ना, वो तो बस टेम्पररी है। और हाँ, अगर तुम्हारे सामने कोई कुत्ता आ जाए, वो भी बहुत डरा हुआ हो, तो समझ लेना उसके तुम्हें काटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज उसे तुमसे अपनी जान किसी न किसी तरीके से बचानी है। सिमिलरली जब तुम्हारा क्विट करने का मन करे, तो बस उसी दिन अगर तुमने अपने आप को रोक लिया, अगर तुम उसी दिन कुत्ता बन गए, उसी दिन तुमने यह सोच लिया कि अभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बस उस दिन अपनी जान अगर तुमने उस डर से बचा ली ना, तो वही तुम्हारी लाइफ में एक नया मोड़ ले लेगी। और अगर तूने क्विट किया ना, तो जो इतना दर्द तूने सहन किया है वो बेकार चला जाएगा। इतनी परेशानियां जो तूने झेली है वो भी बेकार चली जाएंगी। अरे यार, ये दर्द ये परेशानियां टेम्पररी होती हैं, ये तेरे स्ट्रांग मोटिव के आगे जरा से भी नहीं टिक पाएंगी। हाँ, तुझे थोड़ी देर के लिए डरा जरूर देंगी, हो सकता है तेरे दिमाग पर भी इसका काफी असर पड़े। अगर रियलिटी में बताऊं ना, तो ये दर्द दर्द है ही नहीं, ये सिर्फ क्विट करने का बहाना है। दर्द किसको नहीं होता? क्या इधर जैकमा को नहीं हुआ होगा जब उन 24 बंदों की लिस्ट में अकेले उसे ही एक्सेप्ट नहीं किया गया था? क्या ये दर्द रोनाल्डो को नहीं हुआ होगा जब वो रोज टीम के बंदों से ज्यादा मेहनत करता था? क्या ये दर्द नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं हुआ होगा जब वो एक वॉचमैन था और वॉचमैन से मेहनत कर करके आज वो स्टार बना? इन सब ने दर्द झेला होगा, बट इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क किया और ये कभी नहीं रुके। ये भी एक्सट्रीम दर्द से गुजरे होंगे, बट इन्होंने हमेशा अपने दर्द को अपना हथियार बनाया। अगर ये भी तुम्हारी तरह यह सोच लेते कि आज नहीं कल करूंगा, तो कोई इनमें से वॉचमैन होता, कोई शराबी होता, या कोई कहीं केले बेच रहा होता, और ज्यादा से ज्यादा होता तो कोई कॉल सेंटर में जाकर अपने सर में दर्द कर रहा होता, और जिसे कॉल कर रहा होता उसके सिर में दर्द कर रहा होता। ध्यान रखना, विनर वही बनता है जो अपनी कंफर्ट जोन को छोड़कर हर दर्द सहन करके आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। ये इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, बिकॉज अगर तुम अपने आस पास ही नजर घुमा कर देखोगे ना, तो तुम्हें पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिन्होंने अपने दर्द को फाड़ कर अपने लिए एक रास्ता बनाया, जिनको आदत पड़ चुकी है बस विनर बनने की। और हाँ, तुम भी विनर बन सकते हो, बस जरूरत है अपने दर्द को और अपने लेजीपन को निकाल कर बाहर फेंकने की। और लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि सक्सेस उसी को मिलती है जिसने प्रॉब्लम्स झेली हैं, उनका मुकाबला किया है, उनको सरपास करके बिना क्विट करे वो आगे बढ़ा है। वीडियो को जरा सा भी दिल को छू गई ना, तो यार एक शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, हर जगह इस वीडियो को फैला दो।